नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। अज्ञात आरोपी ने मारी गोली, युवक बाल बाल बचा। बाएं पैर में युवक की लगी गोली। घटना लगभग रात्रि के 1 बजे की बताई जा रही है। जानकारी अनुसार शहर कोतवाली थाना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 26 भवानीपुरा मरघट रोड पर वाल्मीकि समाज के 48 वर्षीय युवक को अज्ञात बदमाश के द्वारा गोली मारकर भाग गए। युवक घर के बाहर रोजमर्रा की तरह चारपाई पर सो रहा था। फरियादी विनोद कुमार पिता राम मूर्त वाल्मीकि उम्र 48 वर्ष घायल हुए हैं। फरियादी के जब गोली लगी तो आवाज सुनकर फरियादी का बड़ा बेटा मोहित घायल पिता को 100 नंबर डायल कर मदद से जिला अस्पताल भर्ती किया गया। घायल की हालत सही है। शहर थाना प्रभारी उदय भान सिंह यादव ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। विवेचना अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। प्राइम न्यूज 24 के साथ ब्यूरो भिंड की रिपोर्ट। घटना है जो कि भवानीपुरा में बाद क्रमांक 26 में गोली चली है। 18:20 को रात्रि करीब 1 बजे विनोद वाल्मीकि नाम का व्यक्ति है जो इस प्रकरण में फरियादी है, अपने घर के सामने चारपाई पर सो रहा था जी। रात को करीब 1 बजे की बात है, इसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है पैर में इसके जी। गोली आर पार हो गई है और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इसने मामला पंजीबद्ध कराया है, जिसकी जाँच कर रहे हैं और जो भी तथ्य पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। क्या जो मुलजिम जो आरोप जो फरियादी है उसके द्वारा आरोपी को पहचाना गया है? फरियादी ने अभी किसी भी आरोपी को नामजद नहीं किया है उसने जी। और बताया कि जानकारी नहीं, अज्ञात में मामला पंजीबद्ध कराया है जी। हाँ, पुलिस जांच कर रही है, टेक्निकल एविडेंस और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को ज्ञात करेंगे और कार्रवाई करेंगे। क्या उनके सामाजिक रंजिश तो नहीं चल रही है वाल्मीकि समाज की अगर फरियादी है तो? अभी प्रथम दृष्टया उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है कि किसी से कोई रंजिश नहीं है जी। फिर भी उनके रिश्तेदारों से और उनके आसपास के लोगों से इस संबंध में पूछताछ की जाएगी, जानकारी की जाएगी क्या कि इनकी किसी कोई रंजिश है या रिसेंटली किसी कोई झगड़ा हुआ है जी। तुम्हारा? विनोद कुमार वाल्मीकि। विनोद जी, क्या हुआ था? मैं नाइट को यहाँ पर अपने घर पे सो रहा था जी। अज्ञात लोगों ने आके, ये मेरे को एहसास नहीं हुआ किसने गोली मारी जी। कितने बजे, कब की घटना है ये? 1:10 की। कितनी तारीख की घटना है? 18 तारीख की। 18 तारीख की रात को 1 बजे के लगभग। 1 तारीख 17 की रात थी। 17 तारीख की रात को? हाँ, रात को 1:10 पे सर। 1:10 1:10 पे। तो आप कहाँ सो रहे थे? घर के बाहर? मैं घर के बाहर सो रहा था। अच्छा, तो किसने गोली चलाई ये कुछ पता नहीं चला? मेरे को भी पता नहीं चला कि बस किसने गोली चलाई। क्या आपकी सामाजिक रंजिश? कोई नहीं सामाजिक रंजिश नहीं। तो किसी भी प्रकार से आपको पता नहीं कि किसके द्वारा गोली चली है? ये मेरे को पता नहीं सर किसके द्वारा गोली चली है। कैसे आपको यहाँ से हॉस्पिटल कैसे ले जाए? मैंने यहाँ से हॉस्पिटल, मेरे को 100 नंबर को डायल किया, 100 नंबर मेरे को लेके गई। 100 नंबर से आप पहुँचे?